हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सितंबर 2024 में पंचक कब से कब तक रहेंगे, इसकी सही तिथि और समय क्या रहेगा, और साथ ही जानेंगे इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार पंचक को अशुभ नक्षत्र माना गया है। हर महीने में पंचक आते हैं। पंचक काल में मांगलिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन संस्कार करना वर्जित होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर महीने में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका मानव जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। हर महीने में आने वाले पंचक अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं सितंबर 2024 में पंचक कब से कब तक हैं और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार हर महीने में पंचक 27 दिन बाद आते हैं। मुख्य रूप से पंचक कुंभ और मीन राशि में होता है। हर 27 दिन बाद आने वाले पंचकों के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यदि पंचक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पंचकों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है, इस कारण ये 5 दिन पंचक कहलाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सितंबर में पंचक कब से कब तक हैं। दोस्तों, साल 2024 में सितंबर के महीने में पंचक 16 सितंबर दिन सोमवार की सुबह 5:41 पर शुरू होंगे और पंचक का समापन 20 सितंबर दिन शुक्रवार की सुबह 5:15 पर होगा। दोस्तों, ये राज पंचक होंगे। राज पंचक को राज सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। अब जान लेते हैं पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचक काल के दौरान 5 मुख्य कार्य वर्जित बताए गए हैं। जब से पंचक शुरू हो तब से लेकर पंचक समाप्त होने तक सभी को लकड़ियों को इकट्ठा करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाने का कार्य, पलंग या चारपाई खरीदना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें और कुछ फल बजरंगबली को अर्पित करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। अब जान लेते हैं पंचक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार पंचक मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। सोमवार को शुरू होने वाले पंचक राज पंचक, मंगलवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं, शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक, शनिवार को शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक और रविवार को शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। दोस्तों, बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक अशुभ नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।